काफ़ी ज़्यादा लीक्स और र्यूमर के बाद में फाइनली रियलमी ने अपने रियलमी एक्स 3 सुपर जूम को यूरोप में लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन किस तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ आता है सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलती है 6.60 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, और ये जो डिस्प्ले है वो आपको IPS LCD मिलती है। इसके अंदर AMOLED नहीं लगाई गई है, मगर इसमें एक चीज़ बढ़िया कर दी गई है कि इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो आपको मिलता है 120 हर्ट्ज़ का। जो Realme 6 Pro आया था उसके अंदर केवल 90 हर्ट्ज़ का ही रिफ्रेश रेट दिया गया था, तो इस बार 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट डाल करके दिया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसी IPS पैनल के फ्रंट साइड में आपको मिलते हैं डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा, जिसके अंदर एक तो है 32 मेगापिक्सल का और दूसरा जो कैमरा लगा हुआ है वो है 8 मेगापिक्सल का। तो ये जो डिवाइस है वो फ्रंट साइड से पोको X2 के जैसा ही दिखता है, और हाँ इसका जो रिफ्रेश रेट है वो भी 120 हर्ट्ज़ का है, जो पोको X2 में आपको पहले ही मिल रहा है। अगर इस डिवाइस के रियर कैमरा की बात करें तो इसके बैक साइड में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो आप रियलमी के स्मार्टफोन में काफ़ी पहले से देखते आ रहे हो। सेम वही सेंसर इसके अंदर लगा करके दिया गया है। पीछे की ओर जो क्वाड कैमरा का सेटअप है उसके अंदर 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और हाँ, ये जो 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक कैमरा है इसके अंदर 60x जूम की कैपेबिलिटी पाई जाती है, जिसके कारण इस डिवाइस का जो नाम है वो सुपर जूम रखा है रियलमी ने। और इसी कैमरा के अंदर एक स्टार मोड का ऑप्शन भी पाया जाता है, जिसको ऑन करके आप आसमान के अंदर जो तारे हैं उनकी पिक्चर एकदम क्लियरली ले सकते हो। और इसी पिक्चर को एकदम स्टडी बनाए रखने के लिए इसके अंदर एक स्टडी मोड भी दिया गया है, जो क्या करता है, जब भी आप जूम करके अपने पिक्चर्स को लोगे तो कैमरा अगर शेक हो तो ये उस शेकनेस को कम कर देता है और आपकी पिक्चर भी काफ़ी स्टेबल आती है। अगर इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस डिवाइस में आपको लगा करके दिया गया है स्नैपड्रैगन का 855 प्लस वाला चिपसेट, जिसको आप रियलमी X2 प्रो में पहले ही देख चुके हो। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो 865 है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है अभी के में, और लगता है कि जो रियलमी है उसके पास में 855 प्लस वाले चिपसेट बल्क के अंदर पड़े होंगे, जिसके कारण इसी चिपसेट को वापस रिपीट कर दिया गया है। मगर अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ये चिपसेट भी कुछ कम नहीं है। इसका जो एंटूटू स्कोर है वो तकरीबन 5 लाख से ऊपर निकल करके आता है, जिसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी हाई होती है। अगर हम इस डिवाइस के वेरियंट की बात करें तो ये आपको 12256 के वेरियंट के अंदर मिलता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और इसके साथ में आपको फास्ट चार्जर दिया गया है जो है 30 वोल्ट का। और हम एक बात बता दूँ, ये जो चार्जर है वो काफ़ी फास्ट है, ये आपके डिवाइस को तकरीबन 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देता है। अगर इस डिवाइस के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस डिवाइस के आपको फ्रंट और रियर दोनों साइड में मिलता है कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास, जो काफ़ी मजबूती प्रदान करता है इस फोन को। और इसी के साथ में एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो डिवाइस है वो 5G एनेबल नहीं है, ये 4G के साथ में आता है। और हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर ये किस तरह की प्राइसिंग के अंदर आता है। अगर रियलमी इसको सही प्राइसिंग पे लॉन्च कर देती है तो इंडिया के लिए वो जो स्मार्टफोन मार्केट है वहाँ पर भी एक किलर फोन हो सकता है, और इस डिवाइस के इंडिया लॉन्च का हम सबको ही वेट करना होगा। तो देखते हैं ये किस तरह की प्राइसिंग की और किस तरह के स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, ज़्यादा पसंद आया तो इसको शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड कंटेंट आपके लिए रोज़ लेकर के आ सकूं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।